दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 11 अगस्त से 25 अगस्त यानी कि अगस्त माह के इन पूरे 15 दिनों के अंदर दोस्तों मिलेंगी बहुत बड़ी खुशखबरी। यूं कहें भगवान सूर्यदेव की कृपा से इन 15 दिनों के अंदर सोने के रथ पर अब आपकी किस्मत सवार होने वाली है। या दोस्तों आपकी तरक्की देख, आपकी कामयाबी को देख सारे दुश्मन जलकर अब स्वाहा होंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से 11 अगस्त से 25 अगस्त यानी कि अगस्त माह के 15 दिनों के अंदर सूर्य का शुभ योग, कार्य सिद्धि योग, द्यु पुष्कर राजयोग, धन योग, सौभाग्यवान योग, नौकरी योग जैसे अनेकों अत्यंत दुर्लभ योग बने हैं। इन 15 दिनों का समय आपके लिए भाग्योदय का समय रहने वाला है। दोस्तों यह वह समय होगा जब आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, आपको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। बताना चाहेंगे कि ये बड़ी खुशखबरियां आपके बिजनेस, व्यापार, आपके करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित होंगी। ये बड़ी खुशखबरियां जिसमें कि आपकी किस्मत सोने के रथ पर सवार हो जाएगी और आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप हकदार हैं, जिसकी आप चाह रखते हैं कि हमारे लिए यह सब कुछ हो, हमारे जीवन में इन सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, हमें यह सुख सुविधाएं मिले। तो दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव अब आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। अब आपकी किस्मत सोने के रथ पर सवार हो जाएगी, वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताएं, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों किस प्रकार यह समय रहेगा भगवान सूर्यदेव की कृपा से इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक का संपूर्ण सटीक राशिफल कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कृपा इन 15 दिनों में आपकी राशि वालों पर बरसने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताएंगे, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी इन 15 दिनों में, जिससे कि इस समय का और अधिक लाभ आपको मिल सके, इस समय का और अधिक आप फायदा उठा सके। तो वीडियो अंत तक पूरा देखें, बिना काटे, बिना स्किप किए, सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो पूरा देखें। आज की वीडियो केवल नसीब वालों के लिए ही है। बहुत महाभाग्यशाली होगा जो आज की इस वीडियो को पूरी देखेगा। जो आज की इस वीडियो को मिस करेगा, नजरअंदाज करेगा, वह पछताएगा, जीवन भर रोता रहेगा। यूं कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। या दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त लाइक करें वीडियो को, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव का नाम लेकर, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 11 अगस्त से 25 अगस्त यानी कि अगस्त माह के 15 दिनों का समय रहने वाला है आपकी राशि वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय साबित होने वाला है। आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ग्रह परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है। इस समय में आपको बताना चाहेंगे इस संबंधी मतलब कि इन इस समय में आप निवेश संबंधी जो भी योजनाएं बना रहे हैं उन पर ध्यान आप केंद्रित रखें। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाभप्रद समय है, लाभ मिलेगा आपको। इस समय का सदुपयोग करें, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ
किसी संतान की भी इनकम होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई सुख मिल सकता है, उनके करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या वे नौकरी करते हैं तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, पढ़ाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको संतान पक्ष से खुशखबरी आपको इस समय में मिलेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी इस समय, और यह वह समय होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको लाभ पहुंच सकता है, यह भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। और जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं वे भी आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, बेझिझक आगे बढ़े। और साथ ही साथ इस समय में आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें, जितना आपसे बने कुछ ना कुछ तो जरूर करें आप, अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने। और आपको बताना चाहेंगे यह वह समय होगा, इस समय आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा, कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे, उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, नौकरी से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित। और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। जो भी अवसर मिले हाथ से नहीं जाने देना है आपको, दृढ़ निश्चय से आपको आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य को, जो भी कार्य करें, सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें दोस्तों, गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्य करें, किसी के सामने जाहिर ना करें कि आप यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप तरीके से शुरू करें इसको, मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं, वह नहीं, तो वे आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वैसे तो जो भी कार्य करेंगे सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं आप। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमने पहले भी आपको आगाह किया है कि कोई भी काम करें आप, बहुत मन में सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित ना हो आप, अन्यथा यही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। क्रोधित नहीं होना है, वाणी पे मधुरता बनाकर रखनी है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, नहीं तो यह आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है, यही आपकी कमजोरी है। इस बात पर आप जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वाणी नहीं बोलनी है आपको। और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं इस समय, तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी आपको बरतनी जरूरी है। क्या? कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको कब मिलने वाला है। वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उधार ना ही दे तो अच्छा रहेगा,
कोई ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि देना पड़े वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि ना ही दे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, बहुत सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधी कोई भी आप अवहेलना ना करें उनकी सेवा के प्रति। बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव मन में जरूर रखें, उनकी अवहेलना ना करें। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाएं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्रेम संबंधी बातों को, तो दोस्तों अविवाहितों के लिए इस समय मनो अनुकूल रिश्ता आने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा आपका, प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता बनेगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक चल रही है तो वह अल्प प्रयास से ही दूर हो जाएगी, प्रेम संबंधों में पुनः मधुरता लौटेगी। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है, माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन वे उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं, इससे प्रेम संबंधों में प्रगढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। और साथ ही साथ आपके करियर संबंधी, व्यापार बिजनेस संबंधी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पर करते समय उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका कोई सीक्रेट्स लीक कर इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े, अपमानित होना पड़े, तो सावधान आपको रहना है। बशर्ते आप नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको काम पर ध्यान ज्यादा दें, आप किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। और आपको बताना चाहेंगे नौकरी संबंधित कार्यों में भी स्थिरता आएगी, इस समय तरक्की के भी योग आपके लिए बनेंगे, समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं यदि वे चाहते हैं स्थान परिवर्तन हो, जहां वे चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते आपको प्रयासरत रहना है। और यदि आपका कोई व्यापार बिजनेस है तो दोस्तों उसमें आपको अपार सफलताएं मिलने वाली हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है, मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। इस समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी या कर्मचारी हैं उस पर भरोसा ना करकर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है और निर्णय भी आपको स्वयं ही लेने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर्स संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है, बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना है, तभी आपको आपके कार्य में सफलता मिल सकती है, अन्यथा आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। मतलब जहां ध्यान केंद्रित रखना है वहीं आपको ध्यान केंद्रित रखना है। नाना प्रकार की बातों को दिमाग में ना लाएं आप, अन्यथा जो काम कर रहे हैं वह भी नहीं बनेगा आपका। जो काम करें उसी पर ही ध्यान केंद्रित करके करें और गलत संगति का आप साथ छोड़ दें। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है, यदि आपकी कोई गलत संगति है उसका साथ छोड़ना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब ही आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। गलत खान पान का सेवन करने से आपको बचना है। और स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से कोई आपको एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए आप
अपने खान पान के प्रति ध्यान रखें, तनाव मुक्त रहें, नियंत्रण योग प्राणायाम का सहारा लें, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।